साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब लगातार देखते हैं, नित्य प्रति किसी न किसी श्रद्धालुओं से हम चर्चा करते हैं। आज चित्रकूट की महिमा की पावन चर्चा में आज हमारे साथ कोलकाता बंगाल से हैं भाई साहब उपस्थित हैं। आज हम जानेंगे इन्हें इनसे रामघाट की आरती के विषय में और चित्रकूट की महिमा के विषय में क्या महसूस किया, क्या विचारधारा है। विशेष रूप से पहले अपना परिचय देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। अरिंदम घोष नाम है और मैं कलकत्ता से हूँ। बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखे है। दोस्त के घर आए थे चित्रकूट घूमने, तो यही पे देखे तो वो बोले कि गंगा आरती देखने जाना है, तो पहली बार देखे तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो देखेंगे, कोशिश करेंगे फिर से आने का। तो आप ये बताइए कि चित्रकूट में और कहीं घूमा है या मात्र रामघाट आरती? हम आए थे, पूरा घूम लिए है आज। सबसे तो अच्छा आपको प्लेस कहाँ लगा चित्रकूट? गंगा आरती। गंगा आरती क्या आप जैसे साथी अनसुईया गए, गुप्त गोदावरी? सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात हम पहली बार देखे है तो कलकत्ता में नहीं होता है, तो पहली बार देखे तो अच्छा लगा। इससे आपको क्या महसूस हुआ, जैसे हमारी सनातन संस्कृति की जो व्यवस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनमें आपका क्या तरह विचारधारा आपकी रहती? पूजा पाठ के बारे में तो उतना पता नहीं है, जितना देखा है बहुत अच्छा लगा। तो आगे का क्या विचारधारा, परिवार को साथ लाएंगे, माता पिता को लाएंगे, ऐसा क्या? माँ के साथ जरूर आएंगे। जरूर आएंगे आप? तो मंदाकिनी आरती में मतलब दर्शन किया, उसके बाद मतलब कैसा महसूस हुआ? शांति महसूस हुई कि एक विचारधारा को? अच्छा भी लगा, क्या का मंत्र उच्चारण सब कुछ। लोगों को क्या देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? जरूर बोलेंगे सबको आओ और देखो, दर्शन करो, विशेष करके कोलकाता वालों के लिए। बंगाल वाले तो आते ही रहते हैं, वो तो घूमने अच्छा लगता है, सब लोग आएंगे। मेरे दोस्त लोगों को भी बोलेंगे पहली बार आने के लिए। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप तुरंत ही विचारधारा के साथ हमारे साथ हुए। और इसी तरह चित्रकूट धाम आप आते रहिए, और हम लोग चाहेंगे कि आप अपने माता पिता के साथ आए, अपने सगे संबंधी, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा के लिए शायद सबसे अच्छा हमारे धार्मिक प्लेस ही होते हैं, है ना? आप तो युवा है, शिक्षित भी है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई भी है वो भी सनातन से कहीं ना कहीं विचारधारा से मिलती थी। होता है, चलता है। चलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, 2 मिनट जी। हमारे बीच कानपुर से उपस्थित हैं गुप्ता परिवार है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचारधारा है और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी विचारधारा सिर्फ सनातनी है जी। सबसे अच्छा धर्म अगर कोई विश्व में है तो सनातन धर्म है, और सनातन ही सत्य है। कब से चित्रकूट धाम आ रहे हैं आप? चित्रकूट धाम अभी 2016 में आए थे, 2016 के बाद 21 में आए, और फिर अब आने का फिर सौभाग्य मिला। जब भी आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं, ये एक प्लेस है जहाँ पे शांति मिलती है। असली शांति अगर चित्रकूट में कहीं चाहिए बस यही है, यही शांति। आप जब काशी विश्वनाथ जाते हैं तो वहाँ पे भी गंगा आरती में आती, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए, उसके बाद गंगा आरती में शांति मिलती है। वैसे यहाँ पे राम दरबार में आइए, कामतानाथ बाबा के आज दर्शन किए, उसके बाद आज जब गंगा आरती में आए उसके बाद मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, वो आनंद मिला जो अतुलनीय है। बाकी ये हमारी वाइफ है, ये भी कानपुर से आई हमारे साथ। तो आपके पूर्व में कोई आपको मतलब, जैसे कहते हैं कि हम किसी चीज के लिए मोटिवेट होते हैं, तो मतलब आपको चित्रकूट के लिए किसी ने सजेशन किया या आपने गूगल यूट्यूब के माध्यम से, कैसे क्या आपको हुआ? वैसे हम राम भक्त हैं, राम जी की ये पावन भूमि है तो यहाँ आना बनता ही था, तो चित्रकूट पहले भी आए। साउंड धीमा कराओ थोड़ा सा, साउंड का तो धीमा कर रहे जी। बोलिए बोलिए। आज जब दोबारा आए तो काफी अच्छा लगा, और यहाँ पे हम हमेशा आना चाहते हैं, चित्रकूट में आकर के अलग से शांति मिलती है। अच्छा, तो अच्छा, माता पिता कभी आपके आए चित्रकूट धाम? जी आ चुके, माता पिता आ चुके हैं। तो क्या उन्हीं की विचारधारा के बाद आप चित्रकूट आना चालू किया, मित्रों के सहयोग से आए? माता पिता से ही हम हैं। माता पिता से नहीं, जैसे होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चित्रकूट जिस धार्मिक स्थल में जाते हैं कि हमारे पिताजी जाते थे तो हम जाना प्रारंभ कर दिए, है जरूरी है जी। तो उस विचारधारा के साथ कि जैसे मित्रों के साथ कुछ लोग जाते हैं तो उस अनुसार आप आए, मित्रों को भी हम मोटिवेट करना चाहेंगे कि इस जगह पे आए, और मित्रों के साथ अगली बार जरूर ट्रिप बनाएंगे, अभी तो परिवार के साथ ट्रिप बनाया। अच्छा, चित्रकूट की संस्कृति को लेकर, तपस्थली को लेकर के कुछ लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? लोगों के लिए यही सलाह है, जिन तुलसीदास की रामचरितमानस आप पढ़ते हैं यहाँ पे आइए, उनकी ये जन्मभूमि है जहाँ पे जिन्होंने रामायण रामचरितमानस यहीं पे लिखी है, इधर जरूर आइए, लिखा भी हुआ है रामघाट पर भी उन्होंने लिखा है, तुलसीदास चंदन घटा तिलक देत रघुवीर, तो वही कला है हमारी, तो रामघाट में अवश्य आना चाहिए, यही असली शांति। बहुत बहुत बड़ी विचारधारा, देखिए कानपुर वाले हैं और सही वास्तव में सनातन धर्म के साथ साथ चित्रकूट धाम में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की जो बेल्ट है कानपुर लखनऊ ग्वालियर
ये सब बेल्ट जो है बड़े ही आस्था के साथ लोग आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और कांतानाथ जी ही इनके लिए सर्वस्व हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी धर्मपत्नी जी से बात करेंगे, बहन जी से बात करेंगे, दोनों से चर्चा करेंगे। अच्छा, तो हमारे लिए तो आप बहनें हुई है ना, तो बहन जी आपसे बात करेंगे, पहले अपना परिचय देंगे सबसे पहले। मेरा नाम इच्छा गुप्ता है, इनका नाम काव्या गुप्ता है, और हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। आपका क्या, आप तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? हम लोग तो हर साल आते हैं, बस ये कोविड चक्कर में नहीं आ पाए थे 2-3 साल, वरना हम लोग पहले भी हम लोग आते थे, इस बार भी बहुत हम लोग आए, और हर बार जब भी आते हैं तो रात में रामघाट का प्लान तो पक्का रहता है, क्योंकि यहाँ जो शांति मिलती है ना, और पूरा चित्रकूट घूमने से जो मतलब संतुष्टि मिलती है, मनाली से कहीं नहीं, यहीं पे आ जाओ, कुछ नहीं है, जो भी है सब यहीं पर ही, इतना अच्छा लगता है, आनंद एकदम मन मतलब प्रसन्न हो जाता है एकदम। तो और कहीं चित्रकूट का कोई मात्र यही प्लेस आपको सबसे अच्छा लगता है या अन्य क्षेत्र? नहीं, चित्रकूट में सारी चीजें बहुत अच्छी है, भाई कामतान जी परिक्रमा है, सत्यन सैया जी है, गुप्त गोदावरी है, मैयर माता जी का मंदिर है, सब चीजें, हनुमान धारा है, हर चीज बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर सुकून और थक हार के कहीं शांति मिलेगी तो आपको यही आप बैठिए आराम से, मंदाकिनी जी का आप पानी देखिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनकी आरती देखिए, उससे अच्छा सुख कहीं नहीं है। चित्रकूट का कभी ऐसा सुखद पल रहा हो जो आज भी आपको याद हो? जब पहली बार आए थे, जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे, उसके बाद हम लोग इतना अच्छा लगा कि एक साल में एक ट्रिप यहाँ की पक्की ही थी, कहीं जाए या ना जाए यहाँ तो आना ही है, बस कोविड की वजह से 2-3 साल नहीं हो पाए हम लोग के यहाँ पर, लेकिन पक्का था, उसके पहले भी 4-5 साल से कंटिन्यू हम लोग आ रहे थे, और आज भी हम लोग आए हैं, और आने वाले समय में आते भी रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने सनातन पद्धति से जब जुड़ाव लेंगे, जाए आएंगे, तो उस चीज का बहुत बड़ा विस्तारित होता है। और आपका क्या विचारधारा है? आप भी विशेष रूप से? हम भी हर साल आते हैं यहाँ पे, बस टाइम से नहीं, हाँ मतलब साथ ही में आते हैं, हम सब लोग आते हैं, बट इस साल कुछ नहीं आ पाए थे कुछ टाइम से, आप मम्मी भी आए, वो वहाँ बैठे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए वो वहीं बैठे, वो यहाँ नहीं आ पाए, थोड़ा सा इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, और हम हमेशा आते हैं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी जगह जो है वो यही है, और हमने ये भी यहाँ पे आके सोच लिया है कि जब हमारी नौकरी लगेगी हम सबसे पहले यहीं आएंगे, सबसे पहले यहीं आएंगे, यहीं आएंगे हम। देखिए लोगों का जो विचार अलग होता है, लेकिन आपका अलग विचार है, बहुत अच्छी बात है, हमने यहाँ आके ही सोच लिया है, कहीं भी घुमा दो इनको, ये जगह बहुत सही है, फर्स्ट टाइम हमारे लिए सबसे अच्छी जो जगह है वो एक चित्रकूट है, और एक बनारस है, और एक उज्जैन है। उज्जैन कितनी बार गए? उज्जैन हम एक ही बार गए हैं, लेकिन एक बार जाके मतलब ऐसा है हर साल जाए वहाँ पे भी अगर हो पाए तो, और जाएंगे, आरती वहाँ की आरती बहुत अच्छी लगी हमें। और क्या अपनी अवस्था के युवाओं को बहनों के लिए क्या कहना चाहें? जैसे कैरियर की टेंशन होती है, पढ़ाई टेंशन होती है, और फैमिली प्रेशर की टेंशन होती है, तो उसके लिए आपको ना भगवान पे ध्यान बहुत देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ भगवान की भक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना ध्यान अपनी किताबों में दे रहे हैं उतना ध्यान भगवान के भी देना चाहिए, क्योंकि कर्म तो अपने हाथ में, कर्म तो करना है ही, लेकिन और ना हमें फल की चिंता करनी चाहिए कि वो भगवान के हाथ में है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे अपने काम पे फोकस करना है बस, बाकी भगवान तो है ही हमारे साथ। लोगों की विचारधाराएं जैसे आप तो कह रहे हैं, तो शिक्षा, संस्कृति और संस्कार तीनों एक साथ जुड़े हुए ले, लेकिन कुछ लोगों की विचारधाराओं में है कि शिक्षा प्रथम है और संस्कृति संस्कार से उनका कोई रुचि नहीं है, तो उस पे आपका क्या? भगवान ही है सबसे ऊपर, भगवान ही है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, आप पढ़ाई करेंगे लेकिन आप भगवान को बिल्कुल याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, भगवान को जब तक आप हमेशा दिमाग में मैदान करना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा संस्कृति से आप बच करके कभी नहीं जा सकते, जो लोग भले ही कहें शिक्षा शिक्षा कहते हैं, जो इंसान शिक्षित होता है या जो इंसान न शिक्षित होता है, जब वो जाता है उसकी अंतिम यात्रा एक ही समान निकलती है, तो वो हमारी संस्कृति है, हमें उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो जीते जी भी आप फॉलो करिए हो जाता है, पढ़ाई तो हमारा काम है, वो तो अलग बात है, पढ़ाई तो काम है, लेकिन भगवान थोड़ी कोई अलग हो सकता है, वो सबसे ऊंच अपर है, सबसे ऊपर है, पढ़ ले लास्ट में होता है भगवान पास करा देना, तो बस जब भगवान को ही याद करना है, तो हनुमान जी के हम सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, इसलिए हमने यहाँ के सोच लिया कि हम सबसे पहले यहीं आएंगे। देखिए हमने कहा ना कि जीवित देवताओं में जैसे 7 लोगों में जो प्रेशर होता है पढ़ाई का भी, हर चीज का बहुत प्रेशर होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि भगवान का ध्यान दो, सब सारी टेंशन तब दूर हो जाती है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर लेकिन ये है कि जब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, व्यक्ति की विचारधाराएं जब सब नहीं हो पाती हैं, तो अंत में वो शांत रहना ही पसंद करता है, तो शांत रहेगा इसका मतलब वो अध्यात्म में चला गया, उसको पता नहीं है लेकिन वो अध्यात्म में चला गया, इसका मतलब वो चला गया, लेकिन वो ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं किसी विचारधारा को कुत्सित मानसिकता के होते हैं, हम उनके प्रति नोटिस नहीं कराएंगे,
कि जैसे नास्तिक और आस्तिक शब्द होता है ना, तो किसी चीज का अपना अपना विचारधारा है, तो हम उनको भी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन वो अंत में वापस यहीं आते, ये भी सत्य है। तो आपकी बात 100% कन्फर्म है, लेकिन ये है कि लोगों के जो विचारधारा है समझ में कब आती है, जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और जब भूल जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि यार हमें फला व्यक्ति ने बताया था उस रास्ते में हमें जाना चाहिए था, यही सत्य है ना, यही आप भी कहना चाहती हैं। हाँ तो बहुत अच्छा है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस अब इतना ही। पुनः आप आएंगे फिर वीडियो के माध्यम से, आप पुनः जब भी आइए पधारिए चित्रकूट धाम में, तो अपनी विचारधाराओं के साथ जो है हम लोग प्रयास करेंगे। गोवा मनाली मत जाओ, यहीं आओ। देखिए अगर चित्रकूट की संस्कृति या मतलब किसी भी धार्मिक स्थल में जब जाते हैं तो हमारे पूर्वजों से संबंधित कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है, बिल्कुल यही सत्य है ना, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो एक चीज बहुत पॉइंट होती है कि कितनी भी अवस्था विपरीत हो जाए लेकिन हमारी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं बदलती, यही सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपने संस्कृति और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े रहना चाहिए, और हम अपने नदियों को, पहाड़ों को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, नेचर बहुत है ना, यहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट होने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है, पर्वत है, नदी है, बहुत अच्छी सुकून चीज आपको यही मिलेगी, जो मिलेगी नेचुरल ब्यूटी यही है। चलिए विस्तारित वीडियो को न करते हुए, तो दोस्तों मैं आप एक बात बताना चाहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चित्रकूट धाम कोई भी आए कहीं से भी आए, यदि हमारे वीडियो के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखता है, तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जब भी जरूरत आपको चित्रकूट में लगे कि कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है, पहली बात तो चित्रकूट में अभद्रता नहीं होती, कोई चाहे जो क्यों, चाहे ऑटो वाला हो चाहे जो भी, सब अपने नियम से और जितना उचित है वही लेते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आप अपरिचित हैं तो आपसे गलत हो किया जाए। पापा मम्मी दोनों हैंडीकैप है, वो वहीं बैठे हुए हैं, तो जो वहाँ पे जो चौराहा है रिक्शे वाला, हम लोगों ने उनसे बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा आगे छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बिना किसी बहस के उन्होंने कहा ठीक है प्रॉब्लम है, उन्होंने दो तीन लोग पूरा रिक्शा करके पूरा अंदर छोड़ा करके, तो बहुत कोऑपरेटिव यहाँ के लोग भी, हम लोग कामतानाथ भी गए वहाँ के लोग भी, बहुत बड़े सब लोग, बस वो पैर से प्रॉब्लम है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहे थे, वहीं बैठे हैं, और पापा हमारे गवर्नमेंट टीचर है तो वो भाई सब पापा मम्मी दोनों वहीं बैठे हुए हैं, तो शिक्षक की बेटियां हैं तो थोड़ा सा संस्कार की अवस्था तो अपने आप तैयार हो जाती है, क्योंकि घर में और बाहर गुरुजी तो गुरुजी होते हैं ना। हाँ हमारे पापा जी भी बहुत अच्छे पर्सन है, वो भी समाज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली फतेहपुर से बिलोंग करते हैं ये, बट शादी लखनऊ में रहते हैं। चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे, और पुनः जब भी कोई आए हमसे मिलना चाहे चित्रकूट धाम रामघाट जब भी आइए आप हमसे बात करिए, और रामघाट चित्रकूट को लेकर के किसी न किसी विशेष चर्चा को रखते हैं, इसी प्रकार से जय जय श्री राम, जय जय चित्रकूट।